नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजद के शिवानंद तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर है। दिवाकर, बड़ी खबर, शिवानंद तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन, एक तो चुनाव उपचुनाव जीता है अभी, और उससे पहले भी ये बताया जा रहा था कि वो राजद से नाराज चल रहे थे। क्या कुछ मार्केट में किस तरीके से बात सामने आ रही है? देखिए अविनाश, आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव उपचुनाव कल ही हुआ था, आज उनका इस्तीफा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ। उन्होंने लिखा अपने मैसेज में, थकान अनुभव कर रहा हूँ, मन की थकान है, संस्मरण लिखना चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके जो शब्द हैं वो घुमावदार शब्द हैं और वो अपने मन की बात लिख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ न कुछ कचोट अंदर से, जिस प्रकार से राजद से उनको अभी राजद के जो भी कार्यक्रम उनको अनदेखा किया जा रहा है, तो उनका जो ये छुट्टी लेना है, जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ, इस्तीफा ले रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ। वरीय नेता से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर जानकारी ले रहे हैं, अभी कुछ जानकारी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजद से वो असंतुष्ट दिख रहे थे और उनका ये इस्तीफा है। छुट्टी मतलब इस्तीफा है, छुट्टी मतलब, देखिए वो कह तो रहे हैं छुट्टी, लेकिन जिस तरीके से दिवाकर बता रहे हैं कि जिन्होंने अपने उस लेटर में उन्होंने जो लिखा है, कुछ ऐसे शब्द हैं, असंतुष्ट हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, ऐसी कुछ अंदर से कंठा है, अंदर की कुछ सोच है जो वो बाहर नहीं लिख रहे हैं, खुलेआम नहीं लिख रहे हैं। हालांकि देखिए, शिवानंद तिवारी के बारे में आपको बता दें कि लगातार मंचों पर वो तेजस्वी यादव को फटकार लगाते रहे हैं, यूं कहें कि तेजस्वी यादव को सीख देते रहे हैं। पिछले दिनों जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि आप आगे आइए, फ्रंट पर राजनीति कीजिए, पीछे से क्यों कर रहे हैं, चुप क्यों कर रहे हैं। क्या इसके बीच में भी मतलब कुछ ऐसा है कि लगातार तेजस्वी यादव को इस तरीके से बोलना और उसके बाद से ये कहना कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, इसके पीछे भी कुछ कारण? अगर आप बात किया जाए अविनाश, तो पिछले चुनाव उपचुनाव हुए विधानसभा के, तो आप जो देखिए प्रचार स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो आई थी, शिवानंद तिवारी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं फ्रंट लाइन पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक उनके अंदर जो एक कंठा थी या उनके अंदर एक जो अपने अंदर लगता था कि कहीं आरजेडी उनको साइड ले रही है, साइड लाइन कर रही है, तो ये जो आज उनका ये थकान अनुभव कर रहा हूँ, मन की थकान है, संस्मरण लिखना चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ, तो उनके जो ये शब्द है वो बहुत कुछ बता रहे हैं। आने वाले समय पता चलेगा कि ये शब्द क्या है। शब्द लिखे हैं और ये कहा है कि फिलहाल मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ये छुट्टी नहीं, ये इस्तीफा के ही तहत देखा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव बीते हैं, रिजल्ट 24 तारीख को आएगा, रिजल्ट में क्या कुछ होगा इसको लेकर भी बयानबाजी होती है, उससे पहले उन्होंने छुट्टी ली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आना या फिर फ्रंट लाइन पर आकर प्रचार प्रसार नहीं करना, उनके मन में कहीं ये चल रहा होगा कि उनको साइड किया जा रहा है, साइड लाइन दी जा रही है और इस वजह से वो छुट्टी ले रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यही है, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसकी आधिकारिक घोषणा बेहद जल्द हो सकती है। आप देख रहे हैं न्यूज, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना है, नमस्कार।